कि मतदान जो होता है वो उसके व्यक्ति के पैसे के, व्यक्ति के, समाज के, क्षेत्र के, देश के विकास के लिए होता है। जिस तरीके से आपने दिल्ली की सरकार बनाई, उससे आपका दुनिया में मान सम्मान बढ़ा, 5वें नंबर पर व्यवस्था में आ गए, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, और आज के दिन में कोरोना काल में आपने देखा होगा कैसी व्यवस्था दी गई, और पहले कैसी सरकार थी 6 साल पहले, अब कैसा है। राज्य सरकार की, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में मतदान किया तो क्या मिला, और आप 6 साल पहले क्या था, 6 साल बाद हमारी सरकार ने, पहले की भी सरकार मकान बना सकती थी, पहले भी सरकार सड़कें बना सकती थी, पहले की भी सरकार लोगों को शौचालय बना सकती थी, पहले की सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर सकती थी, लेकिन उनकी नीयत और नीत सही नहीं थी। आज हमारी सरकार उसी तरीके से, ये जो आज का ट्रिपल जो सरकार है, तीसरा सरकार है नगर निगम का, नगर पंचायत का, तो ये जो तीसरी भी सरकार है तो उससे भी अपने अपने दरवाजे, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने उस एरिए का, उस निकाय का, अगर आप भविष्य चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में जो कहती हुई करती है, और हम लोगों ने आपने देखा होगा कि उसको करके दिखाया, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे अस समय रहा हो, जैसे मछुआ समुदाय के विकास के लिए बात रही हो, उनके लिए दिल्ली से पैसा लाना हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, निषाद राज बोर्ड की स्थापना, जो कुछ पहले के लिए, पहले की सरकार थी तो हम जाते थे तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे, आपकी आज की सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के हमने इस समुदाय के विकास के लिए, हर लगभग हर क्षेत्रों के विकास के लिए बात होती है, और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे लिए मछुआ समुदाय के विकास, तो ऐसे हर समुदाय का बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम करे, इसलिए इसके पक्ष में वोट डालें और अपने मोहल्ले, अपने उस निकाय का विकास करें। देखिए, अब मछुआ समुदाय ने अपने विकास के लिए नेताओं पर भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि नेता जो जाते थे कुर्ता पहन के सपा बसपा में, पिछली सीट पर बैठते थे, पूरे 5 साल कभी उनकी आवाज़ नहीं होती थी, इनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन आज इस मछुआ समुदाय के एक बेटे ने एक पार्टी बनाई, और गोरखपुर निषाद पार्टी की जड़ है, और उस पार्टी बनाने से मछुआ समुदाय का बहुत सम्मान हुआ, उसका टेस्ट 2019 में हो चुका है। पिछली बार सपा ने और बसपा एक थी और मछुआ समुदाय के किसी को टिकट दिया था, और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से मछुआ समुदाय आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मंगलेश श्रीवास्तव को जीता।